कानपुर लिटरेचर समिति द्वारा आगामी 23 और 24 दिसंबर को गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट में साहित्य संगीत और कलका महासंगम आयोजित होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डायरेक्टर अंजलि तिवारी ने फेस्टिवल संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 23 दिसंबर को 1:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन पर बनी फिल्म पंचम एनेक्सीड के साथ होगा। उसके उपरांत दक्ष आलोक बाजपाई ब्रह्मानंद सिंह से फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन साहित्यकार अमरीक सिंह को उनके उपन्यास तीर्थाटन द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल कानपुर वासियों के लिए साहित्य संगीत कला ज्ञान मनोरंजन से भरपूर होने वाला है। इस फेस्टिवल में कुछ और आकर्षण होंगे जैसे कला प्रदर्शनी इंस्टॉलेशन गैलरी फोटोग्राफी गैलरी आदि। प्रेस वार्ता में डायरेक्टर राहुल गोयल आलोक बाजपाई फिल्म लेखक अभिनेता अतुल तिवारी तथा लिटरेचर फेस्टिवल की टीम मौजूद रही। कानपुर से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सुधा अरोड़ा जी हिंदी राइटर हैं और वो काफी चर्चा करेंगे अनिता मिश्रा जी। डे वन के कार्यक्रम का समापन हम लोग करेंगे। भीष्म साहनी जी की एक कहानी है साग मीट जिसका ओपन होगा और इसको प्रस्तुत करेंगे ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती टीम कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता यूनुस खान। इसके बाद हमारा एक सत्र है जो अटल साहित्य के अलग अलग जो उसके एरियाज हैं उन पे डिस्कशन करेंगे और वहीं पे प्रस्तुत करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी उनका पोएट्री सेशन के साथ अनोखे हस्ताक्षर नाम के साथ। इसके बाद हमारे अपने शहर के जो इंडिया ऑन मून उनकी जो नई किताब आई है उस पर, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जाने माने साइंस एडिटर हैं और नेशनल अवार्ड विजेता हैं और चर्चा के लिए वो हमारे बीच पहले भी आ चुकी हैं कलापिनी कोमकली जी जिनका कि उसको मैं आपको फिर बताऊंगी। इसके बाद में सुधा अरोड़ा जी हिंदी राइटर हैं और वो काफ़ी कानपुर लिटरेचर सोसाइटी हर साल की तरह इस बार भी 2 दिवसीय कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल लेकर के उपस्थित हुआ है, जिसका आयोजन 23 और 24 दिसंबर को गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में किया जाएगा। और उसमें बहुत सारे लेखक जो पोएट्स हैं और कुछ और सेलिब्रिटीज यहाँ पे मौजूद रहेंगे और अलग अलग विषयों पे उस चर्चा होगी। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ जो पंचम अनमिक्स्ड नाम की डॉक्यूमेंट्री है जो आर.डी. बर्मन साहब पे है। इसके बाद में इनॉग्रेशन होगा सेशन का और फिर हमारे साथ डे वन पे चर्चा करने के लिए कलापिनी कोमकली जी जो कि कुमार गंधर्व जी की पुत्री हैं और ये कुमार गंधर्व जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है और जिसका कि आयोजन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कालजयी नाम के कार्यक्रम से, तो उस कार्यक्रम की पेशकश होगी एक लेकडम के द्वारा। ठीक है, सभी कुछ हर सेशन खास है अपने आप में वैसे, लेकिन 23 को अगर आप पूछे तो एक तो कलापिनी जी का जो सेशन है तो म्यूजिक के जरिए कुमार जी के बारे में बात करता और शाम को एक नाटक तो सीमा पावा जी कर रही है, सीमा भार्गव पावा अगर याद हो आप सबको, तो बड़ी एक्ट्रेस हैं वैसे भी हम लोग में। सुधींद्र कुलकर्णी जी हमारे बीच होंगे जो अटल जी के सलाहकार रहे और उनके लंबे समय उनके साथ उन्होंने काम किया है और वो अटल जी पे चर्चा करेंगे।